हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल वालिया। और प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो 12th मार्च को केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा स्ट्रेटेजी तैयार कर लिया है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज द डे वन रिवीजन वीडियोस शेड्यूल, जो हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ, और आजीवन दो वीडियोज आएंगी जिसमें आपको इतनी सारी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, 12th मार्च तक, 11th मार्च तक मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। डेली तीन तीन चैप्टर्स पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, हर चीज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन अनअकैडमी प्रोफाइल। तो जहां पे आप मेरी वीडियोस को देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और लास्ट ईयर जो बच्चे वीडियोस देखे थे उनका बहुत अच्छा स्कोर रहा था केमिस्ट्री के एग्जाम में। नाउ इट्स योर टाइम टू क्रैक दिस सीबीएसई बोर्ड 2019 एग्जाम। ठीक है, अब एक एक जो प्लान है मेरा सुन लो। सबसे पहले मैं सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ कि पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या अमोर्फस सॉलिड होता है, क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये सारी चीज मैं पढ़ा दूंगा। और इवन पढ़ा दी है मैं आपको, जस्ट वीडियो की लिंक में बता देता हूँ। चलो सबसे पहले वीडियो की लिंक में बता देता हूँ। देखो, सिंपली अन अकेडमी पे केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम से, बोर्ड रिवीजन कोर्स के हिसाब से ये कोर्स मेरा अवेलेबल है, जहां मैंने पर्टिकुलरली पर चैप्टर इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखी हैं, जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हर वीडियो को देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड इंपॉर्टेंट है, पैकिंग के रिगार्डिंग चीजें इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा तो डिफेक्ट से आएगा, शॉटकी और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो डेंसिटी का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, और मैंने इस पर्टिकुलरली फ्री कोर्स में वो सारी चीजें आपको पढ़ा भी दी हैं, जस्ट आपको सिंपली वीडियोज को देखना और बहुत फायदा उठाना है। ठीक है, अब देखो पूरा चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे मेरा पूरा कोर्स भी अपलोडेड है कि सॉलिड स्टेट आपको पूरा पढ़ने का मन है तो पूरा भी पढ़ लेना। ठीक है, अगेन छोटा सा कोर्स है, घंटा भर भी पूरा नहीं लगेगा और आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मैं लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से बात करूं, दैट इज सेकंड यूनिट ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री, विच इज सिंपली लिक्विड सॉल्यूशन। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो अपने को पता होना चाहिए, और सेकंड थिंग क्या है कि उसमें कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो अपने को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो मैंने अपने उस वाले कोर्स में पढ़ा दिया है, जिसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार अपन बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो भी थे, जो बन सकते थे, वो मैंने उस कोर्स में डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नर्नस्ट इक्वेशन की मैं बात करूंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको पर चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, क्योंकि हो सकता है अधिकांश जनता ऐसी रही हो जिसको कोई आइडिया नहीं हो कि सर मुझे इतना तो बता दो कि मैं इतना इतना कर लूं तो केमिस्ट्री में पास हो जाऊं। और उसके बाद प्यारे बच्चों 12 मार्च तक मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पे डालूंगा कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड ऑल कंटेंट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंटायरली, वेदर इट मे बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल और ऑन माई अनअकैडमी प्रोफाइल। एज यू ऑल नो, आई एम वेरीफाइड एज वेल एज स्टार एजुकेटर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहां मैं आपको मेरी मिलती है बहुत सारी फ्री वीडियोस, उन सब की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। ठीक है, तो नर्नस्ट इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है, कोलराश लॉ की स्टेटमेंट वहां से न्यूमेरिकल बन सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट अपने को फाइंड करना आना चाहिए, जैसे अक्सर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट की वो बात करता है, वहां ओवर वोल्टेज कंसेप्ट आता है, वो सारी चीज मैं पढ़ा दिया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, आप टेंशन ना करो। नेक्स्ट चीज इज लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का अपने को अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, कौन एथोड है, कौन एनोड है। ठीक है, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे न्यूमेरिकल बनता है, NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लो, इवन मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, टेंशन ना करो। मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स से, दैट इज यूनिट 4, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। नेक्स्ट पार्ट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट, तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट अपने को बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बनता है, जो एनर्जी का रिले, जो के का एक्सप्रेशन है टेम्परेचर के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग K2 by K1 equal to delta H upon या E upon 2.303 into 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये वाला एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और इवन जो आर्किमिडीज इक्वेशन है,
इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, दैट इज सिंपली अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट. ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री. देखो सरफेस केमिस्ट्री में जो फिजियो ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में डिफरेंस अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, दैट इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट. लायोफिलिक एंड लायोफोबिक मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में डिफरेंस. सिंपली लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स में डिफरेंस अपने को पता चल गया तो अपना काम चल जाएगा. होता क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड्स बेसिकली मैं बात करूं तो डिस्पर्स्ड फेस का अट्रैक्शन रहता है डिस्पर्जन मीडियम की तरफ. इसी तरह लायोफोबिक में डिस्पर्जन फेस का अट्रैक्शन नहीं रहता डिस्पर्जन मीडियम की तरफ. ठीक है, टिंडल इफेक्ट, छोटी सी डेफिनेशन पूछ सकता है, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड गोल्ड नंबर. गोल्ड नंबर पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल वर्क सर करवा लेता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वन मार्क में आ सकता है वो है हार्डी स्क्यूज रूल. हार्डी स्क्यूज रूल अपने को आना चाहिए. नाउ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. सिंपली मेटलर्जी यूनिट की मैं बात करूं तो अपने को यहां पर प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन पता होना चाहिए. कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये तीनों मेथड्स का अपना को आइडिया होना चाहिए. इलेक्ट्रोलिटिक मेथड और रिफाइनिंग. सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन, इन चारों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन. तो इन चारों को अपने को पता होना चाहिए. होल एरोल्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस, ये सबका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं तो पी ब्लॉक प्यारे बच्चों ग्रुप 15 हालांकि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं. या आपको डिटेल पढ़ना है तो अन अकेडमी की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. पूरा ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं, कंप्लीट ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं. आप वहां पे देख भी सकते हैं, मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल है क्योंकि अभी आपके पास एक डिसेंट सा टाइम है. देखो 15-15 मिनट लगेंगे, पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा. इन सब की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना. अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक की मैं बात करूं तो एफ ब्लॉक एक्टिनोइड्स मैंने 6 मिनट में पढ़ा रखा है और लेंथिनोइड्स 13 मिनट में. टोटल 20 मिनट में डी एंड एफ ब्लॉक की कहानी खत्म. एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा रखा है. इनकी वीडियोस मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा. ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इसके रिगार्डिंग पोटेशियम परमैंगनेट की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और पोटेशियम डाइक्रोमेट की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो भी मैंने पढ़ा रखी है ऑन माय यूट्यूब चैनल. ठीक है, तो मैं आपको डेली बेसिस पे इतनी सारी वीडियोस डालने वाला हूं ताकि आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी. अभी बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं तो एक नंबर में अक्सर वो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करता है. यहाँ पे वीवीटी भी इंपॉर्टेंट है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीएफटी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म से अक्सर बोर्ड में तो नहीं पूछता सवाल बट कई बार दिमाग खराब हो जाए तो पूछ भी सकता है. तो मेक श्योर दैट कि आपने सीएफटी और आईयूपीएसी तो अच्छे से कर ही रखा है कोऑर्डिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन चैप्टर, दैट इज सिंपली क्लास, मतलब क्लास 12th का 10th यूनिट. हेलो एल्केन्स में नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये अपने को पता होना चाहिए. हेलो एरिन्स में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए और डीडीटी की प्रिपरेशन अपने को पता होना चाहिए. डीडीटी इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एल्कोहल फिनोल ईथर्स, अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लुकास टेस्ट का अपने को आइडिया होना चाहिए. 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी लुकास टेस्ट देता है, देन 2 डिग्री वाला, देन 1 डिग्री वाला. ठीक है, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी से यहाँ पे बात करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, एनसीईआरटी में ये मैकेनिज्म भी गिवन है तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए. ये मैकेनिज्म मैं पढ़ा भी दूंगा और आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है. फिनोल्स में अगेन एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी वो शो करता है वो अपने को बस 2 चीजें पता होना चाहिए. सेम चीज ईथर में, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत महंगा चैप्टर है, बहुत अमीर चैप्टर है क्लास 12th सीबीएसई के हिसाब से. तो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की जितना भी मैकेनिज्म है अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को पता होना चाहिए. और रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड्स और यूजेस, ये अपने को आइडिया होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन से. कैनिजारो और एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो और एल्डोल रिएक्शन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करके जाना. और जो जो चीजें आपको नहीं आती ना प्लीज कमेंट करके बताना इस वीडियो के एंड में. मैं पर्टिकुलरली वही चीज मैं आने वाली वीडियोज में पढ़ा दूंगा जिन जिन चीजों में आपको डाउट है. ठीक है, तो आपको जो जो डाउट्स है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं पढ़ा दूंगा पर्टिकुलर चीजें.
सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड मेथोडेशन एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अमाइंस में बात करूं तो अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेथड प्रिपरेशन इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। डाइजोनियम सॉल्ट, अगेन इसकी जो सिंथेसिस है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं आपको बोल देगा नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाओ। तो कैसे बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन का पहले रिडक्शन करना आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल के, फिर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, ये अपने को पढ़ना है। अगेन बायोमोलिक्यूल्स के लिए आप NCERT को रेफर कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि वालिया सर आप हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दो तो प्लीज कमेंट करें, मैं अगले ही एक घंटे में आपको बायोमोलिक्यूल्स की वीडियो दे दूंगा। और डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, मैंने वहां सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स ऐड कर दी हैं। देखो पूरा पॉलीमर, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सिंपली 18 मिनट में पूरा पॉलीमर आप पढ़ सकते हैं विद अनिरुद्ध वालिया नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सिमिलरली केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, जो मोस्ट अंडर रेटेड चैप्टर्स रहते हैं, इनको भी मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा है विद इन जस्ट 39 मिनट्स। तो प्लीज प्यारे बच्चों आप ये सब पढ़ते रहो, और अनअकैडमी की वो वाली वीडियोस देखते रहना, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, और आप वहां पे देखें, फायदा उठाएं, और जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है या आपको लगता है कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं जल्दी से वीडियो उसके लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, अगले 5 दिन मैं आप लोगों के साथ हूँ, जितनी वीडियोस बना पाऊंगा, जितना केमिस्ट्री सिखा पाऊंगा उतना जरूर सिखाऊंगा, बट वीडियोस को अच्छे से देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को लाइक करना है। यदि मेरा डेडिकेशन पसंद आया है तो प्लीज हिट करें लाइक बटन, और बस मुझे सपोर्ट करें, ठीक है प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, अगली वीडियो मिलेंगे जहां मैं आपको कुछ और चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ, और आप कमेंट करके जो टॉपिक्स बताएंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।